दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चमार यानी कि एससी कैटेगरी के बॉलीवुड साउथ एक्टर के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं चमार जाति के सुपरस्टार यानी कि बॉलीवुड स्टार के बारे में। दोस्तों कुछ तस्वीरें को आज आपके सामने हम पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन किस जाति के बॉलीवुड एक्टर हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। राजकुमार गुड़गांव में एक अहीर परिवार में जन्मे हैं। इनका वास्तविक नाम राजकुमार यादव है, लेकिन उन्होंने सरनेम के तौर पर अपनी मां का नाम सरनेम लगाना उचित समझा, जिसकी वजह से उन्हें राजकुमार राव के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें दिव्या भारती की, जो पिछले समय की बहुत ही बड़ी सुपरस्टार मानी जाती थी, जिनकी हर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर पर ब्लॉकबस्टर साबित होती गई, जिनके किरदार की लोगों ने बहुत ही प्रशंसा की। दिव्या भारती को बताया जाता है कि ये ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। हालांकि ये तो कंफर्म नहीं है कि वो चमार हैं या फिर दलित, लेकिन हाँ ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट नंबर दोस्तों अगर हम आपको बता दें, अजय देवगन का जन्म तो मुंबई में हुआ था, पर उनके पिता वीरू देवगन पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि अजय देवगन ऐसी कैटेगरी यानी कि लोहार या फिर जो विश्वकर्मा की जो जाति आती है उसे बिलोंग करते हैं, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें ये अभी कोई लेख पूरा कन्फर्म नहीं हुआ है कि अजय देवगन एक चर्मकार हैं या फिर ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो अजय देवगन भी एक ऐसी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट नंबर दोस्तों अगर हम बात करें शाहिद कपूर के बारे में, तो शाहिद कपूर की जो जाति है दोस्तों, जिस लेख के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं उसे पिंटरेस्ट द्वारा लिखा गया है। शाहिद कपूर के जो पंकज कपूर हैं उनके पिता और नीलम अंजिम के पुत्र हैं सुपरस्टार शाहिद, जिन्हें आधा ब्राह्मण और आधा क्षत्रिय बताया जाता है, लेकिन पिंटरेस्ट के अनुसार माने तो इन्हें भी ऐसी कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि दोस्तों इस पे मैंने खुद ही रिसर्च किया है कि शाहिद कपूर के जो पिता हैं वो पंकज कपूर और नीलमा अंजिम उनकी माता हैं, जिन्हें बताया जाता है कि आधे ब्राह्मण और आधे क्षत्रिय हैं। ये तो कन्फर्म है कि शाहिद कपूर ना ब्राह्मण हैं और क्षत्रियों में आएंगे, क्योंकि इनकी माता और पिता का ही धर्म देखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर दोस्तों अगर हम बात करें आपके सामने, तो सोनू निगम दोस्तों वो एक्चुअली में ही ऐसी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। एग्जैक्ट अगर जाति की बात करें तो एग्जैक्ट ऐसी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, चर्मकार बताया जाता है, जिसकी वजह से उनके गानों को पहले शुरू के समय में उन्हें उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं मिला था, उन्हें जाति के नाम पर ही इधर उधर भटकाया जा रहा था। जैसे कि आप लोगों ने कई शो में देखे होंगे, मैं किसी शो का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सोनू निगम सर के बारे में सुना ही होगा। दोस्तों ये भी एक ऐसी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं।